खबर धमतरी जिले से है, जहां लसनवाही के जंगल में एक युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को लसनवाही के जंगल में एक युवक का शव मिला था। पत्थर से सिर कुचलकर और जूते की लेस से गला घोटकर मौत के घाट उसे उतारा गया था, जिसकी पहचान ग्राम माकरदोना निवासी तिलेश्वर नेताम के रूप में हुई थी। वही पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके चचेरे भाई भूपेंद्र नेताम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया, जिस पर उसने हत्या करना स्वीकार किया। जो केरेगांव थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर के हत्या हुई थी, उसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो भी विधिक कार्रवाई है वह कर रही है। जो आरोपी है वह उसका चचेरा भाई है मृतक का, और अभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि हत्या उसी ने करी है और बताया कि नशे की हालत में उन दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ कई चीज़ों को लेकर के, उसके बाद में उसने पत्थर मार करके और गला घोट करके हत्या करी है।